अगली खबर अलीगढ़ से है। दरअसल पूरा मामला जनपद अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र अंतर्गत मालवी पुस्तकालय का है, जहां मालवी पुस्तकालय में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने वाले 6 छात्र छात्राओं ने यूपीएससी क्लियर कर जिले का नाम रोशन किया है। वहीं यूपीएससी क्लियर करने के बाद जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह आज मालवी पुस्तकालय पहुंचे और यूपीएससी क्लियर करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित कर अन्य छात्र छात्राओं को गुरु ज्ञान देते हुए उन्हें प्रेरित किया है। जानकारी देते हुए जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि कई वर्ष पूर्व अलीगढ़ में एसडीएम रहे डॉक्टर पंकज वर्मा द्वारा यहां निशुल्क बच्चों को शिक्षा देने का कार्य शुरू किया गया था। कुछ समय बाद एसडीएम पंकज वर्मा का तबादला हो गया, लेकिन वह अपने स्थान पर कुछ ऐसे शिक्षक यहाँ तैनात कर गए थे जिनके द्वारा अब मालवी पुस्तकालय में छात्र छात्राओं को सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाई जाती है। उसी का परिणाम है कि आज अलीगढ़ जिले के रहने वाले और यहां मालवी पुस्तकालय में शिक्षा लेने वाले 6 छात्र छात्राओं ने यूपीएससी क्लियर कर जिले का नाम रोशन किया है। ये बहुत पावर है यार। क्या क्या उष्मित हो रहे हैं, पल्लवित हो रहे हैं, पुष्पित हो रहे हैं, उनको खाद पानी देते रहेंगे, धूप बनकर उनके ऊपर आते रहेंगे। कुछ ऊपर करना है जी, बन जाएगा। चलो तुम्हारे साथ बैठे भाई, तुम्हारा थर्ड अटेम्प्ट था, थर्ड अटेम्प्ट, अभी एक अटेम्प्ट और ले सकते हो, एसडीएम बनना है। वाह वाह, तो बीइंग ए खरगोश, तुम्हें सोने का राइट नहीं है मेरे बच्चे। अब इस कहानी का दूसरा हिस्सा सुनो। खरगोश और कछुए की दौड़ में कछुआ हार जीत गया, खरगोश सो गया, क्योंकि खरगोश सो गया था तो वो 19 साल से शुरू करे, लेकिन ये सही टाइम है कि आप 19 साल से शुरू। अगर आप 19 साल से शुरू करोगे तो आपकी तैयारी का जो लेवल है एग्जाम देते वक्त का, वो काफी कुछ आप पा चुके होंगे और फिर आपको उसको फाइन करना होगा। मेरा नाम प्रतीक्षा कटारा है, मेरा पद नायब तहसीलदार पद पर हुआ है। मैंने 2021 से तैयारी स्टार्ट की थी और CSM के जो आदरणीय पंकज सर हैं मैं उनको श्रेय देना चाहूँगी, और राजवीर सर, रिंकू भैया, ये सभी जो लोग हैं और मेरे माता पिता और जो भी मुझसे लोग जुड़े हुए हैं मैं सबको इनका श्रेय देना। आप इस मुकाम पर पहुंचे तो कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, हर व्यक्ति इंडिविजुअल है, हर व्यक्ति विशिष्ट है। इस बात को अगर हम समझ लेंगे तो अपनी विशिष्टता के अनुरूप हम उसको हासिल करने की कोशिश करेंगे और हमारे मन में नैराश्य नहीं आएगा, निराशा नहीं आएगी असफलता होने के बावजूद। उस नज़रिए से मेरा ये कहना है इन बच्चों से, इन युवाओं से, कि अपने को कॉमन मत समझो। आप सब विशिष्ट हो, उसी प्रकार से विशिष्ट हो जैसे कि हस्ताक्षर हर व्यक्ति का अलग होता है, विशिष्ट होता है। तो तुम सब इस पृथ्वी पर, इस नेचर पर, इस क्रिएशन पर ईश्वर का हस्ताक्षर हो। जब आप इस बात को समझ लोगे तो अपनी विशिष्टता समझ लोगे, अपनी ताकतें पहचान लोगे और जो आप हासिल करना चाहते हो ज़रूर हासिल करोगे, और किन्हीं कारणों में अगर वो हासिल नहीं कर पाते तो भी आपके अंदर इतनी सिफत आ जाएगी, इतनी योग्यता आ जाएगी कि जीवन में आपको एक सफल व्यक्ति के रूप में ही जाना जाएगा।